बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और मटियाभुज में पहली बार ऐसा सैलून बना है, फिलहाल तो ऐसा कोई सैलून नहीं है यहाँ पे। सारा इक्विपमेंट नया है, सारा टेक्निक्स नया है, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल है। ओके, तो क्या लगता है मतलब मटियाभुज में इसकी कितनी जरूरत थी, कितना जो महसूस कर रहे हैं आप? अभी के ट्रेंडिंग जमाने में तो सबको साथ मिल के चलना है, तो हर फैशन ग्लैमर भी ट्रेंडिंग होना चाहिए, तो मटियाभुज के लोग पीछे क्यों रहेंगे, ये हमारे यहाँ के लोग भी आगे रहेंगे। तो सब ट्रेंडिंग वाला सामान है, सब न्यू इक्विपमेंट है, सब चीज नया ही है। तो सर्विस के लिए कितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है? स्टाफ लोग हैं, स्टाफ है यहाँ पे अवेलेबल। और टाइमिंग क्या रहेगा इसके लिए? 11 AM to 9 PM देना चाहेंगे। और ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे कि ये मेरी बड़ी भाभी हैं, इनका बहुत बहुत ही काफ़ी दिनों से ये बहुत मेहनत कर रही हैं पार्लर को स्टार्ट करने के लिए, और इनकी बहुत मतलब एक ड्रीम था इनके लिए, तो ये बहुत मतलब अपना मतलब हर कुछ अपने हिसाब से अपने जैसे उनको पसंद है वैसे सब कुछ किया है। तो आई होप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही होमी एटमोसफेयर है यहाँ पे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। पार्लर सैलून खोले हैं, ये 4G 5G अपग्रेड होता है ना, आई थिंक ये मटियाभुज को 5G करेंगे। ये जो पार्लर जो खुला है इससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा, आई थिंक मटियाभुज में ऐसा पार्लर नहीं है। कस्टमर को हम ये कहेंगे अगर यहाँ ये जो आएंगे बहुत जैसे कि मटियाभुज शहर सिटी से थोड़ा सा आउट है, जो यहाँ आएंगे तो उनको शहर से रिलेटेड हर चीज़ लगेगा, लगेगा नहीं कि ये लोग आउट एरिया में, लगेगा नहीं कि मटियाभुज में, लगेगा कि सिटी सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है वो सेंट्रल सिटी वाली फैसिलिटी। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो मुझे ये बहुत अपग्रेड लगा। ये उनका ड्रीम था जो उन्होंने बहुत मेहनत से और कोशिश की और वो सक्सेस भी हुई, तो यही कहेंगे कि आप लोग आइए।